everyone, today we are going to discuss about telescope. So what is this telescope? Telescope, it is an instrument. ये भी एक instrument होता है. It is an instrument or a device that is used to see distinct objects clearly and magnified. तो आप बोलोगे आपने यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्यों बोला? देखो जो टेलीस्कोप है ना, इसकी भी दो टाइप्स में आता है, एस्ट्रोनॉमिकल और एक टेरेस्ट्रियल होती है. वो आपके सिलेबस में नहीं है तो अब हम एस्ट्रोनॉमिकल है आपके सिलेबस में. तो जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है ना, वो यूज़ किया जाता है कि जो स्पेस में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे स्टार्स हो गए, मून हो गया, तो उनको जब ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, उन वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करने के लिए वो यूज टेलीस्कोप. तो उसके लिए टेलीस्कोप, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज होता है. दैट इज यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एंड मैग्नीफाइड. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स मीन्स जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे स्टार्स है, वो बहुत दूर है हमारे से, अर्थ में से, ठीक है, और जो मून भी है, तो उन सभी को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली और मैग्नीफाइड उनकी इमेज को देखने के लिए वो यूज टेलीस्कोप. टेलीस्कोप होता है, इसमें भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की दो टाइप्स है. इसमें कौन कौन सी है? एक तो है रिफ्रैक्टिंग, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग टाइप की जो टेलीस्कोप होता है, और एक इसकी टाइप है रिफ्लेक्टिंग. दीज आर टू टाइप्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग. तो इस जो टेलीस्कोप होता है ना, इसमें हम दो लेंसेज का इसमें भी यूज करेंगे, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किया था ना प्रीवियस वीडियो में. तो इसमें एक आईपीस होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है. लेकिन इस केस में, लास्ट केस में क्या था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, कि जो ऑब्जेक्टिव था उसका साइज स्मॉल होता है और आईपीस का लार्ज होता है. बस इस केस में ऐसा नहीं होगा. टेलीस्कोप के केस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका साइज लार्ज होगा, उसका अपर्चर लार्ज होगा, और जो आईपीस होगा उसका साइज स्मॉल होगा, उसका अपर्चर क्या होगा, आईपीस का स्मॉल होगा. तो इसलिए जो ऑब्जेक्टिव जो होगा उसका साइज इसलिए लार्ज होता है कि जो भी दूर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी क्या हो, मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म हो. ऑब्जेक्टिव का साइज ज्यादा होगा और जो आईपीस होगा उसका साइज, जिसके थ्रू हमारी आईज उस इमेज को देखेंगी, उसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है इन द केस ऑफ टेलीस्कोप. सो दैट इज अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. तो मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला जैसे हमने सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए डिराइव किया था, सिमिलर अब हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए डिराइव करेंगे. उसमें हम ये जो दो टाइप्स को स्टडी करेंगे, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग. इसमें जो मेन टाइप है दैट इज ऑफ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप थे, उसमें दो टाइप्स ना, रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग. सो फर्स्ट नाउ आवर मेन फोकस इज ऑन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. एंड नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ द टेलीस्कोप. लाइक इसमें भी दो लेंसेज होंगे जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में थे. और कौन कौन से हैं? दिस इज द ऑब्जेक्टिव एंड दैट इज आईपीस. जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ठीक है, द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है, उसका अपर्चर लार्ज होता है. जो आईपीस होगा, ठीक है, द लेंस नियर द आई, उसका क्या होगा, जो अपर्चर होगा वो स्मॉल होगा. दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस. में रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में क्या है, जो ऑब्जेक्ट है दैट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी. तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी से जो रेज है वो आ रही है, ठीक है, और एक जो रे थी वो तो स्ट्रेट यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर में जाएगी, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो तो स्ट्रेट चली जाएगी. जो ये जो ऊपर वाली रे, इसने क्या शो करी, रिफ्रैक्शन शो करी, एंड देन बॉटम वाली लाइन ने भी रिफ्रैक्शन शो करी. तो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट था उसमें से जो भी रेज आ रही थी आफ्टर पासिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, वो क्या कर गई, उन्होंने उसकी इमेज फॉर्म कर दी. कहाँ पे फॉर्म कर दी, फोकस पे. सो ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी. तो उसकी इमेज कैसी फॉर्म हुई, रियल, और वो क्या है, इन्वर्टेड है, लाइक दिस, रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है.
ऑलराइट तो ये जो इमेज थी इसमें से अब जो रेस थी वो आईपीस पे फॉल करी, ठीक है, उन्होंने ये वाला पाथ फॉलो किया। और इन ये जो ह्यूमन आई में जब रीच करेगी तो इनकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? इन्फिनिटी पे। वी नो लेंस के केस में था ना, लेंस के केस में क्या था कि जो इमेज ऑफ वन विल बी एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड, तो यहाँ पे जो ए डैश बी डैश है नाउ इट विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। और इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, तो इसमें से जो रेज आईपीस में फॉल करी और इसकी इमेज फॉर्म होगी एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे जो फाइनल इमेज है वो फॉर्म होगी। एंड अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है, सो दिस इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दैट इज अ फोकस, मीन्स ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस का डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ फॉर द ऑब्जेक्टिव। जिस पॉइंट पे इमेज फॉर्म हुई दैट इज द फोकस ऑफ आईपीस एज वेल एज objective. And there is a one important point which you have to keep in mind that ये जो focal length है, focal length of objective and focal length of eyepiece, दोनों के बीच में कोई भी distance नहीं है। देखो पहले focal length किसकी है? Objective की, then focal length है eyepiece की start होगी। Earlier अगर आप देखो तो compound microscope जो हमने किया था उसमें इनके बीच में एक distance था और उसको हमने क्या name दिया था? L का, capital L, and that is called ट्यूब लेंथ था ना। लेकिन इस केस में टेलीस्कोप में ट्यूब लेंथ जीरो होता है, ट्यूब लेंथ नहीं होगा इसमें, जो कोई भी डिस्टेंस ही नहीं होगा फोकल लेंथ में। सो दैट इज द डिफरेंस, दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टेलीस्कोप एंड अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वी विल फाइंड मैग्निफिकेशन ऑफ दिस रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। एंड जो मैग्निफिकेशन है इस केस में वो एंगुलर मैग्निफिकेशन होगी। एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए? एंगल्स। तो ये जो एंगल्स है, ये इंसिडेंट लाइट जो फॉल हुई, ठीक है, इंसिडेंट रेज जो आ रही है उनका ये जो एंगल फॉर्म हुआ दिस इज अल्फा, और ये अल्फा एंगल है तो ये भी अल्फा हो जाएगा बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंड ये जो एंगल है दिस एंगल इज बीटा। बाय यूजिंग दिस वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा वी कैन फाइंड मैग्निफिकेशन। एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है? इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। मीन्स पहले किसका एंगल आएगा? इमेज का एंगल, देन ये जो ए डैश बी डैश इमेज थी उसका एंगल, देन ये जो ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे उसका एंगल, दैट इज अल्फा। सिंस हियर वी आर टेकिंग अल्फा एंड बीटा आर वेरी वेरी स्मॉल, ओके, सो सिंस अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल, अगर ये स्मॉल है तो वी कैन टेक this beta as approximately equal to tan beta and alpha will be approximately equal to tan alpha. So the magnification ka ye formula aega that m will be equal to tan beta upon tan alpha. This is the formula of magnification for refracting type. And now we have to find the values of tan beta and tan alpha, and then we will put those values in this equation. Okay, and then we will further solve this equation. Now you can take a screenshot. जो हमारे पास इमेज फॉर्म हुई ऑब्जेक्टिव की उसकी हम हाइट को सपोज कर रहे हैं h, okay? h is the height. And अब हम सपोज करेंगे ट्रायंगल, ये वाली कौन सी वाली, a dash b dash and o. तो इस ट्रायंगल में अब हम tan अल्फा की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो वो क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू h, perpendicular क्या है? a dash b dash, that is h है वो distance तो, and अब ये base क्या है? ob dash, this is the focal length of objective fo, तो यहाँ पे h upon fo, this is the value of tan alpha, तो अब tan beta की value क्या आएगी? तो tan beta को find करने के लिए we will take this triangle a dash b dash and e, तो इसमें tan beta की value क्या आएगी? That is perpendicular upon base, तो वो आएगी h upon FE, तो tan beta की वैल्यू आई h upon FE, तो अब हम मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो tan beta upon tan alpha, तो tan alpha डिनोमिनेटर में था, tan alpha अगर रेसिप्रोकल कर दो तो क्या आएगा? FO upon H, और H के साथ H कैंसिल, एंड तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा मैग्निफिकेशन का? दैट इज FO upon FE, वेयर दिस FE इज द focal length for eyepiece, FO is the focal length for
ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो रिफ्रेक्टिंग टाइप का था टेलीस्कोप, दिस इज द रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, इसके लिए जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था दैट इट इज द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव टू द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। सो दैट इज अबाउट रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। एंड नाउ वी विल डिस्कस इट्स सेकेंड टाइप, दैट इज अबाउट रिफ्लेक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप था जो फर्स्ट टाइप थी टेलीस्कोप की, उसमें क्या था, कुछ ड्रॉबैक्स थे। टू रिमूव द ड्रॉबैक्स ऑफ रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, उसके लिए रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का यूज किया जाता है, ठीक है। तो रिफ्रेक्टिंग आर वाला रिफ्रेक्टिंग जो था उसके ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए हम इस वाले का रिफ्लेक्टिंग वाले का यूज करेंगे। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप अब कौन से होंगे? सो दीज आर द टेलीस्कोप्स विद द मिरर ऑब्जेक्टिव, मीन्स उसमें हमने लेंस का यूज किया था ना, इसमें हम आईपीस के लिए तो लेंस ही लेंगे, वो तो लेंस कन्वेक्स लेंस ही लेंगे, बट इंस्टेड ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो था, अब वहां पे हम कन्वेक्स लेंस नहीं लेंगे, वी विल टेक कंकेव मिरर। द कंकेव मिरर इज यूज्ड फॉर द टेलीस्कोप्स इन विच मिरर इज यूज्ड एज ऑब्जेक्टिव दैट आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स। एंड इन दीज टेलीस्कोप्स इनमें क्या होता है, कंकेव मिरर होगा इज used as objective in place of convex lens। जो था वो कन्वेक्स लेंस नहीं लेंगे, वो क्या लेंगे, कंकेव मिरर लेंगे। और यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर लो, कंकेव मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर। फर्स्टली हमने जो कन्वेक्स लेंस लेते थे रिफ्रेक्टिंग वाले में, तो उसमें क्या था, जो कन्वेक्स लेंस था उसका अपर्चर लार्ज था, तो इसमें जो कंकेव मिरर होगा उसका अपर्चर लार्ज लेंगे। तो यहाँ पे ऐड करो, कंकेव मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्टिव इन प्लेस ऑफ कन्वेक्स लेंस। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्रेक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो अब इंट्रोड्यूस हुआ है, इसकी बहुत सी एडवांटेजेस है ओवर द अर्लियर वन, सो दैट इज वाई इसको हम प्रेफर किया गया था ओवर द रिफ्रेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग को क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसने उसकी डिसएडवांटेजेस तो थी, जो ड्रॉबैक्स थे उन्हें रिमूव किया था। कुछ एडवांटेजेस हैं दैट इट हैज अ हायर लाइट गैदरिंग पावर, मीन्स इसमें बहुत ज्यादा हाई इसमें लाइट को गैदर करने की पावर है। एंड इट इज ऑल्सो हैव अ हाई रिजॉल्विंग पावर, मीन्स जो रिजॉल्विंग पावर होती है चीज़ों को सेपरेट करने की, ठीक है, वो भी इसमें हाई है। सो दीज आर टू एडवांटेजेस ऑफ दिस रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। सो दैट इज अबाउट टेलीस्कोप। एंड विद दिस वी हैव फिनिश्ड अ टॉपिक ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सो विद दिस वी हैव finished the chapter of ray optics, that is chapter 9. I hope you found this video helpful for your exams, and don't forget to like to this video and make sure to share this video with your friends so that they can also understand the concepts of physics in an easy way. Don't forget to subscribe to the Curious Learning for more such videos.